कई बार कुछ जानवर ऐसे कारनामे कर लेते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कई बार ऐसे कारनामे कोइंसिडेंटली कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही अमेजिंग मोमेंट्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ताड़ के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर लो ऑफ ग्रेविटी को चकमा देती इस बकरी को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जहां इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में इंसानों तक की हालत पतली हो जाती है, वहां ये बकरियां बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़कर उतनी ही आसानी से वापस नीचे भी उतर रही हैं। कमाल है। इस क्रोकोडाइल का टशन देखकर तो आप टेंशन में ही आ जाएंगे। जरा देखिए तो पानी के नीचे कितने कूल अंदाज में ये तैरता दिख रहा है। क्या बात है? कैमरामैन फोकस करो, ये वीडियो क्लिप बहुत यूनिक है। उड़ते हुए पक्षी के ऊपर बैठे पक्षी का ये वीडियो किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफी है। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। क्या कोई मक्खी खुद से 100 गुना भारी मेंढक को उड़ाकर ले जा सकती है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपका जवाब गलत है। यकीन ना हो तो ये क्लिप देखिए। यहाँ इस मेंढक को मक्खी से पंगा लेना महंगा पड़ गया। ये मक्खी मेंढक की जीभ में ऐसी चिपकी कि उसे अपने साथ ही उड़ा ले गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे तो सांप को देखते ही मेंढक सिर पर पांव रखकर 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा ही है। ये मेंढक बेखौफ होकर सांप की पीठ पर बैठकर मजे की सवारी कर रहा है। कमाल है। यहाँ इस सांप को अपनी तरफ आता देख एक महिला ने उस पर चप्पल फेंक दी, जिसके बाद सांप ने चप्पल को मुंह में दबाया और भाग निकला। कभी सुना था कि माँ की चप्पल अच्छे अच्छों को दुरुस्त कर देती है, आज देख भी लिया। यहाँ कैमरे की तरफ बढ़ता ये गोरिल्ला अब जो करने वाला है उसे देखकर यकीनन आपकी हंसी ही छूट जाएगी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी चिड़िया जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इस चिड़िया को हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। हमिंग बर्ड सेकंड भर के समय में ही कभी हरा तो कभी गुलाबी, कभी काले रंग तो कभी नीले रंग में बदल जाता है। इतने कम समय में इतने रंग बदलते देख कोई भी दंग रह जाए। यहाँ इन कुत्तों को जैसे ही गोल बर्तन में कुछ खाने को दिया गया तो ये भी गोल गोल घूमते हुए अपने हिस्से का खाना खाने लगे। वाह क्या सीन है! झरने के नीचे बैठकर मजे से नहाने का लुफ्त लेते इस हाथी का ये वीडियो आपके चेहरे पर भी मुस्कान चस्पा कर देगा। नहाने के बाद अब हाथी का फन टाइम भी देखिए, कैसे ये बच्चों की तरह स्लाइडिंग को एंजॉय करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। मजा आ गया देखकर। हाथी को देखकर ये गाय भी स्लाइडिंग का मजा लेते हुए नजर आ रही हैं। इन जानवरों के तो मौज हाथ लग गई। फुटबॉल की तरह दिखने वाला ये जीव कुछ और नहीं बल्कि एक मछली है, जिसे पफर फिश के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये खतरे का अंदेशा होते ही खुद को गुब्बारे की तरह फुला लेती है ताकि कोई इसे पकड़ ही ना पाए। यहाँ भी लोगों के घेरने के बाद उसने खुद को फुला लिया है। अब जब लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी पर कांटों के चलते उसे उठाना आसान नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि कंटीली होने के साथ साथ ये मछली बहुत जहरीली भी होती है, लेकिन पानी में पहुंचते ही ये फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। अब बात करते हैं जानवरों की चालाकियों की। यहाँ इस टाइगर और बतख के बीच अटखेलियों का खेल चल रहा है। जैसे ही टाइगर बतख को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही बतख पानी में डुबकी लगाकर उसे चकमा दे देती है। ऐसा एक बार, दो बार नहीं बल्कि कई बार होता है कि जैसे ही बाघ बतख की ओर बढ़ता है, बतख पानी के अंदर गायब हो जाती है। बाघ बेचारा कभी इधर तो कभी उधर बतख को खोजता रहता है और सिर खपाता रहता है। बाघ ने लाख कोशिशें कर ली
लेकिन वो बतख को नहीं पकड़ पाया। इंटरनेट पर टाइगर की ये टाइट हालत खूब वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहा ये पक्षी ब्लैक हेरॉन है, जिसके शिकार करने का तरीका आपको हैरान कर देगा। ये पक्षी मछलियों का शिकार करने के लिए ये अपने पंखों को छाते की तरह ओढ़कर उसमें छिप जाता है। ऐसा करने से छिपने के लिए अंधेरी जगह ढूंढ रही छोटी मछलियां उसकी तरफ आ जाती है, जिसके बाद ये उनका शिकार कर लेता है। इस तरह के शिकार करने के तरीके को कैनोपी फीडिंग कहा जाता है। आपको बता दें कि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में बिल्लियों का कोई जवाब नहीं। यहाँ ये बिल्ली इस बहुत छोटी सी जगह से इतनी आसानी से निकल जाती है कि देखने वाले हक्के बक्के ही रह गए। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का एक और नमूना देखना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। देखिए कैसे लोहे की ग्रिल में से होते हुए ये दूसरी तरफ ऐसे पहुंच जाती है, मानो इसके शरीर में हड्डियां है ही नहीं। इतना ही नहीं, ये नुकीली रेलिंग को भी बड़ी आसानी से चलकर पार कर लेती है। यहाँ इस बिल्ली का बैलेंस देखकर यही कहना है, भाऊ अपुन को भी जिंदगी में टाइट कॉन्फिडेंस चाहिए बस। इस वीडियो क्लिप ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। इसमें इस कुत्ते ने इतना शानदार डांस किया है कि देखकर आप भी कह देंगे, वाह डॉग साहब कमाल कर दिया। भाई ऐसा डांस तो एनिमल मूवी में खुद बॉबी डेवल ने नहीं किया होगा। गिलास से क्या कमाल का बैलेंस बिठाया है। वाह जियो राजा। दोस्तों बचपन से ही हमें स्कूल और घर में शेयरिंग इज केयरिंग सिखाया गया है, लेकिन कुछ जानवर भी इस बात में यकीन रखते हैं। जैसे कि ये डक बार बार दाना उठाकर पानी में तैर रही फिशेज को खाना खिला रही है। मेल जोल और मिल बांटकर खाने का ये वीडियो कमाल का है। वाकई इस डक ने तो दिल ही जीत लिया। कई बार कुछ पक्षी चालाक दिमाग होते हैं कि आसपास होने के बावजूद भी उन्हें स्पॉट करना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक जीव का नाम है उल्लू। इनकी ऐसी कई प्रजातियां हैं जो अगर आपके आंखों के सामने भी है तो आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ पेड़ की छाल दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीन देखकर तो किसी का भी कलेजा कांप जाए। बचपन में हमने एक कहावत जरूर सुनी होगी, अकल बड़ी या भैंस। आइए आज ये कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं। हैंडपंप के पास खड़ी इस भैंस को जब प्यास लगी तो उसने फौरन अपनी अकल लड़ाई और अपने सिंग से हैंडपंप को ऊपर नीचे किया तो पानी निकलने लगा और फिर भैंस ने प्यास बुझा ली। क्यों, मिल गया ना जवाब। यहाँ ये महिला भंगड़ा करके अपनी भैंस को भी नाचने को कहती है, जिसके बाद ये भैंस उछल उछल कर ठुमकने लगती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।